हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑन माय चूल्हा में। आज हम बनाएंगे छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी। और ये हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। एकदम खस्ता और सिंपल तरीके से मैंने ये ठेकुआ की रेसिपी बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने यहाँ पर किसी भी मोल्ड का यूज़ नहीं किया है, घर में अवेलेबल सामान से इसे डिज़ाइन दिया है। देखिए बहुत ही खस्ता बने हैं। तो यहाँ पर मैंने चार तरीके से, चार डिज़ाइन में इसे बनाया है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे ठेकुआ की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.25 कप आटा, मतलब गेहूं का आटा मैंने लिया है, छान कर ले लिया है मैंने यहाँ पे 1.25 कप। इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच किसा हुआ सूखा नारियल। यहाँ पर मैंने इस डिश में गुड़ का यूज़ नहीं किया है। गुड़ की जगह हमने क्या यूज़ किया है आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। और अगर आपको सौंफ पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं डाला है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच रवा। तो मैंने यहाँ पर बारीक रवा लिया है, आप कोई भी रवा यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने शक्कर लिया है, तो 1.5 कप आटे में मैंने यहाँ पर 1/2 कप पिसी हुई शक्कर ली है। उसमें मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड करके इसे घुलने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और जब तक ये घुले तब तक हम आटे में घी को मसल लेते हैं। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो ठेकुआ की रेसिपी है ये बहुत ही खस्ता बनती है अगर आप इसमें रवा ऐड करते हैं तो। और ये एकदम ट्रेडिशनल तरीके से हम बना सकते हैं, बिना गुड़ के भी आप शक्कर से इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो मोयन है एकदम बराबर पड़ा है, मुट्ठी बंध रही है। तो चलिए अब हम इसे गूंद लेते हैं। तो जो शक्कर और दूध का हमने मिश्रण बना के रखा है उससे हम गूंद रहे हैं। इसमें जो येलो दिख रहा है आपको वो घी का चम्मच मैंने यूज़ किया था, इसलिए इसमें येलो दिख रहा है आपको। तो मैं इससे आटे को गूंद लूँगी। अगर आपको कम लग रहा है दूध तो आप इसमें और भी दूध ऐड कर सकते हैं, थोड़ा जितना आपको रिक्वायर्ड हो। लेकिन आटा हमें एकदम सख्त ही गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है, सख्त आटा गूंदेंगे तभी आपके जो ठेकुए हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। वो ठेकुआ का आटा सख्त ही होता है, नरम नहीं करते हम इसे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम दूध यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें कड़क आटा गूंद के रख लेना है। ये देखिए हमारा आटा जो है अब तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको बनाने के समय आपको आटा बहुत ज़्यादा सख्त लगता है तो आप इसमें 2-3 चम्मच दूध डालकर उसे थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और अब हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। आपको जो डिज़ाइन चाहिए आप बना सकते हैं इससे। तो मैं आपको 4 डिज़ाइन में बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए पहला मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पोर्शन लेके उससे चपटा कर दीजिए। फिर हमारे पास जो झारा होती है पूरी छानने वाले, उससे हम शेप दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से दबा दीजिए उस पर रख कर। और ये देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से मैं आपको और एक बताती हूँ। ये देखिए, या तो चाहे आप इसे उल्टा करके इसके ऊपर रख कर भी इसे दबा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन गया है। तो चलिए आपको मैं दूसरा डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। तो ये जो ट्रेडिशनल लीफ शेप का ठेकुआ होता है वो हम बना रहे हैं हाथ से। उसका एक साँचा भी आता है जिससे कि आप जिस पे आप आटा रख के दबाते हैं तो वो लीफ का शेप ले लेता है, लेकिन यहाँ हम इसे नाइफ से बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको लीफ शेप दे के और नाइफ से डिज़ाइन बना देना है। चलिए और एक आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो इस तरह से घर में अवेलेबल सामान से भी आप डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। आप फोक भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, फोक से भी आप अपने मनचाहा
डिज़ाइन बना सकते हैं। ये तीसरा डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इससे, तो ये वो है जो हम हैंड ब्लेंडर या विस्कर बोलते हैं जिससे कि हम बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं, केक के आइटम्स वगैरह, वो है ये। तो ये चौथी डिज़ाइन मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो ये भी हम नाइफ से ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर चेकर्स डिज़ाइन बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रेस कीजिए ताकि जब वो तल कर आए तो इसका डिज़ाइन प्रॉपरली दिखे। तो ये देखिए चौथा डिज़ाइन में रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे ठेकुओं को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अगर आपके पास मिक्स करने वाला वो सामान नहीं है तो आप इस तरह से चाकू से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं जो हमने पहले उस विस्कर से बनाया था, जो हैंड ब्लेंडर विस्कर आता है उससे हमने बनाया था, वो आप इस नाइफ से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए चार डिज़ाइन हमारे बनकर रेडी हैं और 1.25 कप से हमने यहाँ पर 16 to 17 ठेकुआ बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले ही गर्म करने रख दिया था और तेल हमारा एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा आटा डाला है और ये कैसे कम बबल्स के साथ ऊपर आ रहा है। तो इसी तरह का तेल हमें चाहिए, ना एकदम ठंडा ना एकदम गर्म, थोड़ा सा मीडियम हॉट होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने ठेकुओं को इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने इसमें ठेकुओं को डाल लिया है। तो ये मैंने थोड़ी बड़ी कढ़ाई ली है, तो एक साथ मैं यहाँ पर 7 से 8 ठेकुओं को डाल दूँगी। तो यहाँ पर 16 ठेकुए मेरे बनकर रेडी हुए थे, तो मैंने यहाँ पर 2 बैच में इन्हें फ्राई कर लिया था, 1 बार में 8 और 1 बार में 8। तो मीडियम हॉट ऑयल में हमें इन्हें तलना है। 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये ठेकुए तल कर रेडी हो जाते हैं। हमें गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो बीच में चलाते हुए हमें इसे तल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये तलकर रेडी हो गया है, ये देखिए एकदम खस्ता बनकर रेडी हुए हैं ये। और इस पर जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन भी हमें प्रॉपरली इसमें दिख रहा है, ये देखिए। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तलकर रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से मीडियम हॉट पे ही आपको तलना है इसे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो हमारा दूसरा बैच भी जो है वो बनकर रेडी होने वाला है। इस तरह से देखिए हमने बहुत ही अच्छे ठेकुए बना लिए हैं। तो ये देखिए हमारे सारे ठेकुए तल कर रेडी हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम खस्ता, और इनका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा से उभर के आया है। और ये देखिए तो देखा आपने कितनी खस्ता ठेकुआ बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसानी से आप कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।